बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 9 हिंदी चैप्टर 6, जिसका शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके राइटर हैं हरिशंकर परसाई। अब हम कुछ लेखक के बारे में जान लेते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जवानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणीय है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे यह एक कहानी संग्रह है, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज जो एक उपन्यास है, तट की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पंगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायतें मुझे भी हैं, और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णो की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, जो एक व्यंग संग्रह है, ये सब उल्लेखनीय हैं उनके। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। अब हम पाठ के सारांश की शुरुआत करते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। परसाई जी के सामने प्रेमचंद तथा उनकी पत्नी का एक चित्र है। इसमें प्रेमचंद धोती कुर्ता पहने हैं तथा उनके सिर पर टोपी लगी है। वे बहुत दुबले हैं, उनका चेहरा बैठा हुआ तथा हड्डियां उभरी हुई हैं। चित्र को देखने से ही पता चल रहा है कि वे निर्धनता में जी रहे हैं। वे कैनवस के जूते पहने हैं जो बिल्कुल फट चुके हैं, जिसके कारण ढंग से बंध नहीं पा रहे हैं, और बाएं पैर की उंगलियां दिख रही हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर लेखक को चिंता है कि यदि इनकी प्रेमचंद्र फोटो खिंचाते समय ऐसी स्थिति है, तो वास्तविक जीवन में उनकी क्या स्थिति रही होगी। फिर उन्होंने सोचा कि प्रेमचंद्र कहीं दो तरह का जीवन जीने वाले व्यक्ति तो नहीं थे, किंतु उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, अतः उनकी घर की तथा बाहर की जिंदगी एक सी ही रही होगी। फोटो में दिख रही तथा वास्तविक स्थिति में कोई अंतर नहीं रहा होगा, तभी तो निश्चिंत तथा लापरवाही से फोटो में बैठे हैं। वे सादा जीवन, उच्च विचार रखने में विश्वास रखते थे, अतः गरीबी से दुखी नहीं थे। प्रेमचंद जी के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान देखकर लेखक हैरान है। वह सोचते हैं कि प्रेमचंद ने फटे जूतों में फोटो खिंचवाने से मना क्यों नहीं कर दिया। फिर लेखक को लगा कि शायद उनकी पत्नी ने जोर दिया होगा, इसलिए उन्होंने फटे जूते में ही फोटो खिंचा लिया होगा। लेखक प्रेमचंद्र की इस दुर्दशा पर रोना चाहते हैं, किंतु उनकी आंखों के दर्द भरे व्यंग ने उन्हें रोने से रोक दिया। लेखक सोचते हैं कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए तो जूते, कपड़े, यहां तक कि बीवी भी मांग लेते हैं। फिर प्रेमचंद्र ने किसी के जूते क्यों नहीं मांग लिए? लेखक कहते हैं कि लोग सुंदर फोटो इसलिए खिंचवाते हैं कि इत्र लगाकर सुगंध आए,
लेखक कहते हैं कि मेरा भी जूता फट गया है, किंतु वो ऊपर से ठीक है। मैं पर्दे का ध्यान रखता हूँ, मैं अपनी उंगली को बाहर नहीं निकलने देता। मैं इस तरह फटा जूता पहनकर फोटो तो कभी नहीं खिंचवा सकता। लेखक प्रेमचंद्र की व्यंग भरी मुस्कान देखकर आश्चर्यचकित हैं। फिर सोच रहे हैं कि इस व्यंग भरी मुस्कान का आखिर क्या मतलब हो सकता है। क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया, या होरी का गोदान हो गया, या हल्कू किसान के खेत को नील गायों ने चर लिया है, या माधे ने अपनी पत्नी के कफन को बेचकर शराब पी ली, हैद या महाजन के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद्र को लंबा चक्कर काटकर घर जाना पड़ा है जिससे उनका जूता घिस गया। हैद लेखक को याद आता है कि ईश्वर भक्त संत कवि कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने से घिस गया था। अचानक लेखक को समझ आया कि प्रेमचंद्र का जूता लंबा चक्कर काटने से नहीं फटा, बल्कि वे सारे जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे हैं। रास्ते में पड़ने वाले टीले से बचकर निकलने के बजाय वे उसे ठोकरे मारते रहे हैं। उन्होंने समझौता करना पसंद नहीं किया है। जिस प्रकार होरी अपना नेम धर्म नहीं छोड़ पाए, या फिर नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन, लेखक मानते हैं कि प्रेमचंद्र की उंगली किसी घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही है जिसे उन्होंने ठोकरे मार मार कर अपने जूते फाड़ लिए हैं। वे उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने के लिए अपने तलवे घिसते रहते हैं। प्रेमचंद शीर्षक कहानी का दूसरा पाठ देखिए, जिसमें कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के उत्तर रहेंगे।